मेरा नाम मोहित जंगीर है, मैं सदस्य में पढ़ता हूँ। मैं सेठ संपतराम जी दुर्गुड़ माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन करता हूँ। एनसीईआरटी द्वारा दिए गए विषयों में अन्य विषय में मेरा मॉडल है जो दिव्यांगों पर आधारित है। बहुत से लोग दुर्घटना के कारण या फिर कैंसर का जब ऑपरेशन होता है, तब ऑपरेशन के बाद जब वो ठीक हो जाते हैं, तब उनके गले की आवाज चली जाती है, लेकिन उसके बाद भी जब वह सांस के साथ बोलने का प्रयास करते हैं, तब उनके गले में कंपन होता है, लेकिन वह बोल नहीं पाते हैं। इसीलिए विकलांगों के लिए हमने यह उपकरण बनाया है, जिसमें चुंबक पर आधारित ध्वनि संग्राहक यंत्र है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इसमें जैसे ही मैं बोलता हूँ, मेरे गले में कंपन होता है। कंपन द्वारा इसमें लगा स्वयं संग्राहक उस कंपन को सर्किट में भेजेगा। सर्किट द्वारा वह ध्वनि के रूप में प्रकट हो जाएगी। कुछ व्यक्ति जन्म से ही बहरे होते हैं, उन्होंने कुछ सुना भी नहीं है तो वो कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। अब जैसे ही व्यक्ति बोलता है तो उसकी ध्वनि की तरंगे कर्ण नाल से होते हैं कर्ण पटल तक टकराती है और उनमें कंपन होता है। कंपन को मस्तिष्क आवाज में प्रकट कर देता है। लेकिन इस मॉडल में क्या किया गया है, ये जैसे ही हम इस माइक में बोलते हैं तो इसमें लगा संवेदी संग्राहक उन कंपन को 10,000 गुना बढ़ा देता है, जिससे पीजो इलेक्ट्रिक द्वारा उन कंपनों को मस्तिष्क द्वारा महसूस किया जाता है और वह व्यक्ति उस आवाज को सुन सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे ही हम इस माइक से बोलेंगे तो इस उपकरण द्वारा ध्वनि को 10,000 गुना बढ़ा दिया जाएगा, उससे यह ध्वनि पीजो इलेक्ट्रिक में जाएगी। इस भाग को हम मस्तिष्क के यहाँ पर लगा देंगे। तो मस्तिष्क के सुनने का भाग यहाँ होता है। अब जैसे ही मैं इस माइक से बोलूंगा हेलो 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 हेलो, तो यहाँ से आवाज सीधे इसके मस्तिष्क में चली जाएगी। यह प्रयोग नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए है। जो व्यक्ति अंधा होता है तो या फिर वो रोड क्रॉस करता है तो किसी दुर्घटना में घायल या मर सकता है, इस समस्या को ध्यान में रखते हुए यह प्रयोग बनाया गया है। इस प्रयोग में IR सेंसर का प्रयोग किया गया है। अब जो नॉर्मली TV और रिमोट होता है, रिमोट में ट्रांसमीटर कॉइल होती है और जो TV होता है उसमें रिसीवर कॉइल होती है। जैसे ही ट्रांसमीटर कॉइल की किरणें निकल कर रिसीवर में जाती है तो चैनल अलग चेंज हो जाता है। उस तरह इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर साथ में लगा दिया गया है। अब जैसे ही ट्रांसमीटर से किरणें निकलेंगी, रिसीवर में वापस किसी वस्तु से टकरा कर वापस आएंगी तो बजर एक्टिवेट होगा। इसमें जो दूरी होती है उसके हिसाब से बजर एक्टिवेट होता है और उसकी आवाज़ आती है। अब जैसे ही व्यक्ति चलता है, उसके सामने कोई और आता है इतनी दूरी पर, तो उसकी इतनी आवाज़ होती है और दूर जाते ही इतनी, और ऐसे इस तरह इसकी आवाज चेंज होती रहती है। तो जैसा कि आपने देखा, जितनी दूरी होती है उस दूरी के हिसाब से यह प्रयोग काम करता है, जैसे अंधे व्यक्ति की जान भी बचाई जाती है या उसकी दुर्घटना नहीं होती।